dear students in this module we are going to discuss the characteristics of society uh, generally uh, as we know that uh, every society possesses a particular structure uh, however uh, we have some common features that can specifically denote what society is like for example the number of individuals society is composed of many or certain number of individuals and then we should have those individuals should have a common interest. By common interest, we mean that that can uh, revolve around their life ideologies, their purpose of life, their goals of life, as well as the system a specific system of social interaction. this uh, may uh, unkili language, hai common language, ka hona ek important factor ho sakta hai. Uh, यूज़ ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं फिर वो जो उनका कल्चर है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स का शेयर्ड होना एक जैसा होना जैसे हम देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर शेयर्ड कल्चर से मुराद ये है कि वो एक जैसा लिबास पहनते हैं एक जैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए और एक जैसे तौर तरीके और उनके रहन सहन के जो अतवार होते हैं वो भी एक जैसे हो सकते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो आ, उनके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं मसलन स्कूलिंग है कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं मद्रस हैं उनकी कॉमन करैक्टरस्टिक्स होती हैं फिर इसके अलावा जो आ, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन है उनकी जो करैक्टरस्टिक्स हैं वो भी आइडेंटिकल होती हैं So, uh, फिर uh, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये कि जो उनकी ज्योग्राफिक बाउंड्री होती है वो सेम होती है ज्योग्राफिक बाउंड्री स्पेसिफिकली उन नंबर ऑफ पीपल को जो है वो कवर कर रही होती है तो uh, ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफिक बाउंड्री uh, उनके कल्चर को डिस्टिंक्टिवली डिफ़ाइन करे या डिस्टिंक्टिवली जो है दूसरे कल्चर से मुमताज़ कर सके लेकिन ये एक करैक्टरस्टिक एक इंपॉर्टेंट करैक्टरस्टिक होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये तय करते हैं कि किसी सोसाइटी के कि, किसी एक जगह के ऊपर रहने वाले लोगों को हम सोसाइटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते फिर एक और इम्पॉटेंट फैक्टर जिसको हम इंटर डिपेंडेंसी कहते हैं इंटर डिपेंडेंस से मुराद ये है कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो हैं उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका एक दूसरे के ऊपर इहसार होता है ये नहीं है कि इंडिविजुल्स uh, जो हैं दे लिव इन आइसोलेशन टू ईच अदर क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इंसान जो है उसको एक समाजी हेवान कहा जाता है समाजी हेवान से यही मुराद है कि वो एक क्लेक्टिविटी या ग्रुप लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो जो ग्रुप एक्टिविटी है वो इंटर डिपेंडेंसी के ऊपर uh, मुश्तमिल होती है यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हम एक दूसरे के ऊपर अपने अपने कामों के लिए इहिसार करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल Uh, हमें अपने बच्चों के लिए जो है स्कूल की ज़रूरत होती है स्कूल टीचर को जो है वो आगे शॉपकीपर्स की ज़रूरत होती है जहाँ से वो ग्रॉसरी कर सके जो ग्रॉसरी मैन है ग्रॉसरी के जो लोग हैं उनको हो सकता है कि आगे ड्राइवर्स की ज़रूरत हो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो और इस तरह से यानी वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंसी इंटर इसी नेटवर्क ऑफ़ इंटरडिपेंडेंसी की बदौलत हम एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से डिस्टिंग्विश करते हैं उनके डिस्टिंक्टिव रोल्स और स्टेटस की वजह से अब फिर डेफिनेटली जब इंटरडिपेंडेंसी होती है तो कॉपरेशनस भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर भी होती है आगे जाके अगले मॉड्यूल्स में हम इनको डिस्टिंक्टिवली डिफ़ाइन करेंगे कि कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है डायनेमिज्म से मुराद ये है कि हर सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं होती है uh, उसके अंदर डायनेमिज्म uh, होता है उसके अंदर चेंजिंग uh, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ही तरह की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं थ्रू आउट द हिस्टोरिकल पीरियड हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं सोसाइटीज़ आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज सो दिस इज़ ऑल्सो की करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी थैंक यू